Hey guys, hello everyone. My name is Mayur and you are watching The Shop Vlogs. We are back with another video. और वैसे तो आपने वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के पता चला ही लिया होगा कि आज हम किस स्पेशल प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं. सो गाइस, ये है वो स्पेशल प्रोडक्ट. और यहाँ पर ये देखिए, मैं आज लेकर आया हूँ PID 13 VSR, जो कि प्लैनेट पावर की एक मल्टी फंक्शन वाली ड्रिल मशीन है. जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, बेसिकली प्लैनेट पावर के जो है दो वेरिएंट्स आते हैं. पहला जो आता है बेसिक वेरिएंट, ग्रीन वाला वेरिएंट, जो कि आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, नॉर्मल रेगुलर ड्रिल मशीन. और दूसरा जो आता है ये ऑरेंज वाला वेरिएंट, जिसके अंदर आपको मल्टी फंक्शंस देखने मिल जाते हैं. ये ऑरेंज वाले वेरिएंट्स है, उसमें भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बट अपने चैनल पर ये फर्स्ट टाइम एक फर्स्ट प्रोडक्ट अनबॉक्स हो रहा है यहाँ पर, ये ऑरेंज वेरिएंट का. सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे ख्याल से आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो. सो इस मशीन को लाने से पहले मैंने कुछ लोगों से इसके बारे में रिव्यूज़ भी लिए थे कि भाई ये मशीन एक्चुअल में है कैसी, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, क्या ये मशीन यहाँ पर वर्थ है या वेस्ट ऑफ मनी है. सो काफ़ी कुछ मैंने लोगों से पूछा था इसके बारे में, और कुछ लोगों ने मुझे एडवांटेजेस भी बताए, डिसएडवांटेजेस भी बताए, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. सो अगर आपको इस मशीन के बारे में कुछ मालूम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी पढ़ सकूँ और अपने जो अदर व्यूवर्स है वो भी पढ़ सके. कमेंट ड्रॉप जो है कर देना. इस वीडियो के अंदर एक आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो जो है यही वीडियो मिल जाएगा. इसके अंदर आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे, जिस भी पर्पज़ के लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है. इस मशीन की हम यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसके इनफैक्ट मैं प्राइस भी बताऊंगा कि क्या प्राइस पॉइंट पर ये जो मशीन आपको देखने को मिलती है. सो वीडियो पे आप इसी तरह एंड तक बने रहिएगा, वरना फिर आप कुछ ना कुछ पार्ट मिस कर जाओगे और मेरे को अच्छा नहीं लगता है. सो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले आप एक काम कीजिए कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को अगर सब्सक्राइब, वीडियो को अगर लाइक और वीडियो को कंटिन्यू करते. सो लेट्स बिगिन. सो गाइस, ये है वो प्लैनेट पावर का बॉक्स. सो बॉक्स कुछ ज़्यादा ओवर नहीं है, एकदम बेसिक सी जो है चीज़ दी गई है यहाँ पर. ये प्लैनेट पावर की यहाँ पर ब्रांडिंग, और यहाँ पर ग्लोब एक्सपीरियंस लोकल केयर PID 13 VSR, यहाँ पर मॉडल नंबर दिया हुआ है 13 mm VSR इम्पैक्ट ड्रिल इंडस्ट्रियल, मतलब आप इसको प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी कर सकते हो यूज़, और या आपको होम पर्पज़ के लिए चाहिए तो आप होम पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो. सो गाइज, मैं एक बार आपको बॉक्स का जो है वॉक अराउंड दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो बॉक्स है आपको एक्चुअल में दिखता है. सो फर्स्ट फ्रंट जो प्रोफाइल है वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगी, बैक में जो प्रोफाइल है वो भी सेम है, जो ली आपको उसी तरह से दिखेगी, और ऊपर की तरफ जो है आपको सेम प्रोफाइल दी गई है. राइट हैंड साइड की तरफ आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और प्राइस वगैरह MRP वगैरह दी गई है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम आपको वही स्पेसिफिकेशंस वाला कॉलम. सो कुछ इस तरह से जो है मशीन का बॉक्स जो है देखने को मिलता है आपको. सर, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में अभी करूँ क्या, पहले स्पेसिफिकेशंस बताऊँ या पहले अनबॉक्सिंग करूँ. एक काम करते, पहले अनबॉक्सिंग ही कर देते, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए. सो बॉक्स के अंदर आपको एक देखने को मिलता है वारंटी कार्ड. कंपनी क्लेम करती है 6 मंथ की वारंटी, जो कि आप चाहे कोई भी पावर टूल्स के ब्रांड लोग, उसमें आपको 6 मंथ की वारंटी ही क्लेम मिलेगी. और यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन बुक भी दिया है ताकि आप पढ़ सको, और लोग ऐसे पढ़ते नहीं है, जब भी ज़रूरत लगती है तभी पढ़ते हैं. तो आपको देखने मिल जाता है एक अच्छी क्वालिटी का हैंडल बार, ऐसा थोड़ा वेट है जो है हैंडल बार में, सो अच्छा है. ये हैंडल बार लगाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो कि मैं आपको पूरा सेटअप लगा के, एसेसरीज लगा के मैं दिखाऊंगा. कि ये आती है लेवल स्टिक, ये काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, जो प्रोफेशनल रहता है वो तो डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ये उनको रहता है जिनको एक्यूरेट होल करना रहता है, सो उसके लिए जो लेवल स्टिक है वो यूज़ होती है. और फिर अपना जो है मेन यहाँ पर मशीन का वेट भी है एक्चुअली गाइस. तो यहाँ पर ये निकल गए, ओ माई गॉड, लुक एट द मशीन गाइस, क्या लग रही है. मतलब जैसे मैंने सोचा था, जैसे इमेजिन किया था, ये उससे कई ज़्यादा अलग है गाइस मशीन, और काफ़ी मस्त मशीन है यार. क्या इसकी ग्राफिक है, मतलब जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन किया था उससे कई गुना ज़्यादा मेरे को ये बेटर जो है इस मशीन का लुक लगा. जो इसकी प्रीमियमनेस है वो मुझे एक्चुअल में दिख रही है. सो नो डाउट, मशीन के ऊपर में कोई क्वेरीज नहीं है, जो है सही है. सो सबसे बेस्ट जो पार्ट लगता है मुझे इस मशीन का, वो ये दो जो अलग अलग स्प्लिट किए हुए पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मशीन में. इसका क्या रीज़न है, जो कि मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताने के बाद बता दूँ. सो गाइस, स्पेसिफिकेशंस में सबसे पहले जो आता है यहाँ पर वोल्टेज, और वोल्टेज जो है इस मशीन का आपको 230-240 आपको इसका वोल्टेज देखने मिल जाता है. फिर हम बात करते हैं इसके वोल्ट की, जो कि आपको 950 इसका वोल्ट देखने मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मल नहीं है गाइस, बराबर है इस मशीन के हिसाब से.
से 950 वोल्ट हैवी ड्यूटी हो जाती है 950 वोल्ट से। और फिर हम बात करते हैं इसके आरपीएम की, तो आरपीएम आपको इस मशीन का जो है 0 to 2800 का इसका आपको आरपीएम देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है गाइस। फिर हम बात करते हैं इसके ड्रिल कैपेसिटी की, तो इसके अंदर आपको सबको बताइए कि 13mm की जो ड्रिल कैपेसिटी है वो क्या क्या होती है। सो फर्स्ट जो है कंक्रीट में ये नॉर्मली 13mm का जो है ड्रिल कर लेती है, और स्टील की बात करें तो उसमें आपको 10mm का जो है ड्रिल नॉर्मली कर लेती है, और वुड की बात करें तो 30mm का ये जो ड्रिल है कर लेती है। और हम बात करते हैं इसके इंपैक्ट रेट जो कि होता है BPM, उसके अंदर आपको 0 to 44,800 का आपको BPM देखने मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं अभी इसके वेट की, वेट जो है इस मशीन का आपको 2.4 kg देखने मिलता है। बट ये कैसे देखने मिलता है, यहाँ पर सिर्फ आप मशीन का वेट करोगे तो आपको इतना वेट नहीं है, बट जब आप इसके ऊपर एसेसरीज इंक्लूड करते हो तब ये जो है ऑल इन ओवर 2.4 kg वेट बन जाती है। सबसे बेस्ट जो पार्ट लगता है मुझे इस मशीन का वो ये दो जो अलग अलग स्प्लिट किए हुए पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मशीन में। ये बॉश के जो भी आपने ड्रिल मशीन देखा होगा वो वहाँ पर आपको वन पीस देखने मिल जाती है, जैसे कि आपने बॉश की GSB 501 देखा होगा वो आपको वन पीस देखने मिल जाती है। फिर आपने ब्लैक एंड डेकर्स की काफ़ी सारे 13mm के ड्रिल्स मशीन देखी होगी, उसमें भी आपको वन पीस बॉडी देखने मिल जाती है। तो वन पीस बॉडी का गाइस डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि मशीन जब आप हैमर पे यूज़ करोगे और हैमर पे जब आप बॉल में यूज़ करोगे तो मशीन के जो इंटीरियर पार्ट्स है वो हिल जाते हैं गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि हिलेगी ना गाइस, अभी वो वन पीस बॉडी है उसमें कितना ही प्लास्टिक झेल लेगा वो सब चीज़। अंदर सारी चीज़ें जो है अपनी पर्सनल काम करती है, हैमर अपनी हैमर की जगह पे और गियर जो है अपना काम कर रहे हैं, मोटर जो है चलने का अपना काम कर रही है, और साइड में जो है स्विच और वायर का जो अलग काम है वो यहाँ पर सब चीज़ ऐसे कॉलम वाइज बनाई गई है ताकि सबको लोड ना पड़े उस चीज़ का। और रिपेयरिंग करने में भी मतलब जब आप इस मशीन को रिपेयर के लिए देते हो तो रिपेयर भी वो अच्छे से हो जाती है, उनको भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। काफ़ी कुछ सोच समझ के इस मशीन को जो है कंप्लेंट पावर ने बनाया हुआ है, ये काफ़ी मुझे पसंद आया। ये चीज़ गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने लायक जो चीज़ रहती है। तो गाइस अभी हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी के मामले में मतलब एक इंडियन वाला जो एक्चुअली फील है वो आपको इस मशीन में देखने मिल जाता है। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि प्लांट पावर जो है इंडियन ब्रांड है, सब कुछ अच्छा दिया है। ये यहाँ पर जो गियर बॉक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये आपको चक दिया हुआ है 13mm का। वायर की बात करें तो यहाँ पर वायर भी काफ़ी ज़्यादा इसका सॉफ्ट है, 2 कोर आपको वायर देखने मिल जाता है, 1mm वायर है, डोंट वरी, वायर भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, बहुत सॉफ्ट वायर आपको देखने मिल जाता है। और ये वायर की भी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये जो प्लग है ये भी आपको थोड़ा हार्ड रबर मटेरियल में जो है प्लग बनाया हुआ है, प्लग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको 3 कलर जो है इसके अंदर देखने मिल जाता है। सबसे पहला जो है यहाँ पर मेटेलिक कलर देखने मिल जाता है, फिर यहाँ पर ऑरेंज कलर की जो आपको बॉडी देखने मिल जाती है, ब्लैक कलर के यहाँ पर हैंड ग्रिप आपको देखने मिल जाता है जो कि रबरिश वाला मटेरियल है यहाँ पर यूज़ किया हुआ। ग्राफिक काफ़ी अच्छे दिए गाइस, मतलब ज़्यादा ऐसे हाथ में चुभते नहीं है जब आप इसको यूज़ करते हो, तो नॉर्मली ऐसे लग रहा है कि हाँ ग्रिप ही बना रखा है। और मल्टी फंक्शंस के लिए जो चीज़ें दी गई है जैसे कि स्विच हो गया, कंटिन्यू स्टार्ट बटन हो गया, फिर लेफ्ट एंड राइट का जो है लीवर हो गया, और ऊपर की तरफ जो है हैमर नॉर्मल करने का जो लीवर हो गया, ये सारी चीज़ बड़ी बड़ी दी गई है ताकि आप इसको ईजी टू एक्सेस अच्छे से यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप एक हाथ लगाते ही आपकी चीज़ें जो है फंक्शन करने लग जाए। उसमें ये सारे मुझे चीज़ पसंद आई, जैसे कि अभी आप स्विच देख रहे हो तो स्विच भी कितना आपको हैवी ऐसा मस्कुलर स्विच दिया गया है, लेफ्ट एंड राइट का जो लीवर है वो भी आपको इतना सॉफ्ट दिया गया है और इतना बड़ा दिया गया है कि ताकि आप अपने अंदाजे से आप इसको जो है लेफ्ट राइट कर सकते हो, ये अच्छा लगा। स्विच पे जो स्पीड कंट्रोल का स्विच है ये भी आपको काफ़ी मतलब बड़ा दिया है ताकि आप इजीली इसको घुमा सको, वरना आपने कुछ मशीन में देखा होगा कितने छोटे छोटे स्विच रहते हैं तो वो मज़ा नहीं आता, और वो ऐसा लगता है कि खाली दिखावे के लिए दिया गया है, उसका कोई यूज़ नहीं है। ये ऐसा नहीं, ये एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि मैं इसको माइनस पे लेता हूँ और मशीन को चलाता हूँ तो देखिए मशीन की जो ताकत है वो स्लो हो गई है, और अब मैं इसको प्लस पे लेता हूँ तो एक्चुअल में पावर जो है पता चलता है ऐसा चीज़ है। पर ये हैमर और नॉर्मल करने का स्विच जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ये देखिए बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ये चीज़ काफ़ी मस्त बनाते हैं यार, मज़ा आ गया मेरे को देख के। यहाँ पर कंटिन्यू स्टार्ट बटन देखो इसका, ये भी कितना बड़ा दिया हुआ है। अगर आप सोच रहे हो इस मशीन को लेने का तो आप ले ही लो गाइस, सोचो मत,
क्योंकि ये बहुत अमेजिंग मशीन है गाइस, मुझे पसंद आ गई पर्सनली। यहाँ पर थोड़ी सी एक जो चीज़ है वो मैं मिस कर रहा हूँ, वो यहाँ पर प्लांट पावर का जो नेम है ये थोड़ा 3D स्ट्रक्चर में दिया रहता तो मेरे ख्याल से थोड़ा और बोल्ड लगता था और मस्त लगता था। ग्रिल्स देखने मिल जाती है, एक यहाँ पर विंड्स देखने मिल जाते हैं, यहाँ पर विंड देखने मिल जाती है, यहाँ पर ग्रिल देखने मिल जाती है, ऊपर की तरफ आपको ग्रिल देखने मिल जाती है, साइड की तरफ आपको ग्रिल मिल जाती है, मतलब कमी नहीं है यहाँ पर मशीन, आप इसको नॉनस्टॉप यूज़ कर सकते हो, ये हैवी ड्यूटी चीज़ बनाई गई है गाइस। सो इस मशीन के डिसएडवांटेजेस ये है कि इसके जो पार्ट्स है वो आपको बहुत रेयर मिलेंगे, सो पार्ट्स नहीं मिलते इसके ज़्यादा जल्दी, सो इस वजह से लोग इसको काफ़ी कम लेते हैं, बट ले लो गाइस, पार्ट्स तो क्या है कंपनी बनाते रहेगी और पार्ट्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे लोगों ने सजेस्ट किया था तो मैंने भी आपको एक जो है बता दिया, छुपाना नहीं चाहिए चीज़ गाइस, वरना फिर आप बाद में पछताओगे, जो है मैं पहले बोल देता हूँ। सो अभी मैं एक बार इसका एसेसरीज लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको एसेसरीज लगाना है। ये इसका हैंडल, आपको जैसा कंफर्ट लगे ऐसा लगे ऐसा लगे, सो आपको जैसा कंफर्ट लगे आप इसको वैसे हैंडल को जो है टाइट कर सकते हो। और ये हो गया लेवर स्टिक, और इसको आप फिर इस तरह से टाइट भी कर सकते हो। सो ये हो गया, अभी आप इसका जो वेट चेक करोगे सो तब आपको जो है इसका एक्चुअल वेट जो है पता चल जाएगा। अभी इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको 2000 के इसकी जो है प्राइसिंग देखने मिल जाती है, सो नो डाउट प्राइस के मामले में भी एक बेटर मशीन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को करना है लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए गाइस, ताकि जिनको इस मशीन की डिमांड है, ऐसे सब कॉन्टेंट्स की डिमांड है तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो बस मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है वो मेरे ख्याल से आपके लिए स्पेशल होने वाला है, सो इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए।